जाता है गाने बोलने स्वागत करने खुद पधार रही है मुंबई की रानी ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है और यू नो आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग मराठी झिंगाट से बहुत ही अटैच्ड हैं लेकिन ये गाना हमारे फिल्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द स्टोरी लाइन हमारे कैरेक्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है तो और ईशान ने इतनी अच्छी डांसिंग की है गाने में और हम सबको इतना मज़ा आया ये गाना बनाने में तो आई होप कि यू नो उतना प्यार मिलेगा गाने को You remember the first day of Jhingaad song, that first shot, and how much take you both have taken while shooting the song Jhingaad? जी नहीं कुछ काफी मामूली नंबर के टेक्स थे हमारे उसमें कुछ खास तो फराह मैम ने इनके एक टेक के लिए कट ही नहीं किया था एक दो मिनट का टेक था शायद हाँ एक बहुत मजेदार इंस्टेंस था गाने के दौरान उन्होंने एक बहुत ही लंबा टेक लिया था जो उन्होंने प्लान नहीं किया था तो उन्होंने एक्शन कॉल किया और डांसर्स थे सारे और सिर्फ कोरस हमने कोरियोग्राफ किया था उसके बजाय बाकी सब वाज इम्प्रोवाइज्ड फील में घुस गए थे मतलब गाना ही इतना मजेदार है एंड टू जॉइन योर क्वेश्चन विद दिस इज दैट म्यूजिक एक बहुत ही यूनिवर्सल मीडियम होता है एक बहुत ही यूनिवर्सल चीज है तो आई थिंक गाने का मजा तो हमेशा सभी लेते हैं लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो गुनगुनाते हैं लेकिन वो वर्ड्स उन्हें यहाँ तक रह जाते हैं बस और वो हिंदी में आई थिंक बहुत लोग मज़ा ले रहे हैं उसका तो हमने भी वही किया और लिरिक्स गाते गाते एक बहुत ही लंबा टेक हो गया दो मिनट का और उन्हें काफ़ी फुटेज मिल गई तो वो काफ़ी मज़ेदार था टू शूट अ सॉन्ग कम्प्लीटली रफ यू नो जिसमें कोरियोग्राफी इतनी डिफाइंड ना हो उसमें बहुत मज़ा आया जी ऑफ कोर्स मैं उनके साथ ही रहती हूँ हर रोज बात होती है मेरी उनके साथ जी वो बहुत खुश है रिस्पॉन्स के साथ वो एक्चुअली मुझे अपडेट करते रहते हैं कि अभी नंबर वन है ट्रेंडिंग पे इतने व्यूज़ है और उनको बहुत कॉल्स आ रहे थे कर
गाने के बारे में, तो मैं बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश है. What about Shahid? What he said about the song? Great response is coming. What he said after watching the song? उनसे मेरी अब तक बात ही नहीं हुई है कल से. I think he must have seen the song. I'm sure. तो मैं आज कोशिश करूँगा उनसे मिलने की और पूछूंगा. लेकिन उन्हें इससे पिछला जो गाना आया था धड़क हमारा जो टाइटल ट्रैक है वो बहुत पसंद आया और बहुत खूबसूरत लगा उन्हें. तो आई होप ही लाइक्स दिस वन टू. व्हेन यू हर्ड रेड एफएम व्हाट्स फर्स्ट कमिंग इन योर माइंड? रेड एफएम 93.5 रेड एफएम. आई मीन म्यूजिक मैन, म्यूजिक कम्स टू माइंड. थैंक यू सर. एनी मैसेज सोशल कॉज, क्योंकि ये जो चैनल है सोशल कॉजेस को सपोर्ट करता है, ऐसे कोई कॉज को आप लोग चाहेंगे जिसको आप सपोर्ट कर पाएं, करना चाहें आगे चल के या जब भी? अभी फिलहाल हमारी मूवी एक सोशल कॉज के ऊपर बनी है एंड सोशल इशू के ऊपर बनी है. एक सोशल मैसेज है जो मुझे लगता है जिसकी वजह से मुझे लगता है सबको ये फिल्म देखनी चाहिए और बहुत सारे दूसरे रीज़न भी हैं. लेकिन आई थिंक दैट सिंस यू आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन एंड वी आर प्रमोटिंग धड़क, आई थिंक या ऐसे कई सोशल कॉजेज हैं मेरे जहन में जो जिनमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, जिनके बारे में मैं आवाज़ उठाना चाहूँगा. लेकिन आई थिंक बेहतर यही रहेगा कि आगे जाके मुझे जब मौका मिले तो मैं वो चीज़ें करूँ और उनके बारे में ज़्यादा बातें ना करूँ अभी. ईशान एक बहुत अच्छी बात है, यू आर टेकिंग रियल गुड केयर ऑफ जानवी ड्यूरिंग ऑल द प्रमोशन. Thank you. I mean, she can take care of herself, man. Nobody's taking care of me. But it looks good, like you are very protective for her and taking care of her. I mean, I'm sure if you were in that situation, you would do the same. Thank you. Thank you.